मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ पहले बात कर लेते हैं, फिर अभी आगे आपको क्लास मिलेगी। क्लास में क्या कर रहा हूँ, मैथ में से क्वेश्चन मैंने अपनी अपनी जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे मैंने बताए हैं, लेकिन आपके कुछ कमेंट चाहिए मुझे। कमेंट इसलिए चाहिए कि आप स्पीड देखिए, स्पीड ठीक है या ज़्यादा है, आपको जो भी लग रहा है, या क्वेश्चन आपको कैसे चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, आप जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद कमेंट करना वीडियो में क्या क्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बुक पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो बुक है ये मैथ्स मिश्रा है। इस बुक को मैं क्या करने आ रहा हूँ, मंथली फीस से पढ़ाने जा रहा हूँ। मंथली फीस में ये बैच ऑफलाइन स्टार्ट होगा, उसके बाद भी ऑनलाइन चलता रहेगा। जैसे मैंने आर एस अग्रवाल का स्टार्ट किया है बैच, उसमें 20 चैप्टर के ऊपर हो चुके हैं और वीडियो अभी पोस्ट होता रहता है, तो वहाँ पर जो आर एस अग्रवाल का बैच है लगभग आधे ज़्यादा हो चुका है। नई किताब स्टार्ट कर दी है मैंने मैथ्स मिश्रा। इसमें क्या है, जिस सिक्वेंस में चैप्टर दिए हैं, जैसे पहले सिंप्लीफिकेशन दिया है तो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ाऊँगा, फिर घातांक करनी दिया है मैं उसको पढ़ाऊंगा, लासा मासा दिया है फिर इसको पढ़ाऊंगा। जितने चैप्टर आपको दिए गए हैं इसी जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में पूरे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको एक महीने में कितनी क्लासें मिलेंगी, 24 क्लासें मिलेंगी, जो एक घंटे का एक वीडियो होगा। और इसमें क्या होगा, आपको जो फीस पे करनी है ओनली 299 मंथली, में आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो 11 से 12 AM मैंने अपने कुछ क्लास नोट्स बनाए हुए हैं। क्लास नोट्स मतलब क्या है, मैंने उसमें पूरा बेसिक मैथ का कवर किया है। आप 11 से 12 फ्री लाइव पढ़ सकते हैं और 300 रुपये खर्च करके घर में बैठ के पूरी बुक पढ़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से लेकर लास्ट तक देखिएगा। स्पीड ज़्यादा लगे तो भी कमेंट करना, कम लगे तो भी कमेंट करना। और तुम्हें अगर लाइव चाहिए, अगर तुम आप चाहो कि सर मुझे सारी वीडियो लाइव चाहिए, तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जो क्लास होगी हमारे ऐप पर होगी, आपको वीडियो वहीं से मिलेगा। ये पहला वीडियो डेमो वीडियो है, इसे यूट्यूब पे दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कैसे करना है। सवाल ये दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, केवल थोड़े फॉर्मूलों ज्ञान हो आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो। कैसे बिना पेन चलाए होगा, जैसे इसका आंसर मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, बाकी इसका आंसर आपको भी दिखाई देगा, बस समझना। देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे की लिखा हुआ है ए माइनस बी, आपको मालूम है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है और नीचे लिखा है ए माइनस बी, कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी। सेम वैसे आप इसको लिखेंगे ना तो ये क्या होगा, 0.03 + 0.01, ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो 0.03 - 0.001 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में 0.03 - माइनस के बाद है 0.01, तो ये देखिए ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी, तो आंसर क्या हुआ, 0.04। आपके क्वेश्चन का आंसर है 0.04, आज का आंसर क्या है 0.04। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है बहुत आसान है, कैसे करना है देखिए, केवल ध्यान से समझिए क्वेश्चन, बहुत बिना पेन चलाए क्वेश्चन होगा, बस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, और ये जो लिखा हुआ है 2AB लिखा हुआ है, ये माइनस का है, तो क्या होता है आप सबको मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, और देखो ये वही लिखा हुआ है ऊपर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने 6.5 में 3.5 को माइनस किया तो 3 मिला, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है ये रूट वाला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाला, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। इसमें करना क्या होता है, क्या लिखा है, 1 × 2 × 3 × ……… फैक्टोरियल एन लिखा हुआ है, तो बताइए इसका मान क्या है। सबसे छोटे वाले को ऐसे ही रखो बाकी को तोड़ लो, सबसे छोटे वाले को ऐसे ही रखो बाकी को तोड़ लो, तो आपको मालूम है फैक्टोरियल 8 का मान क्या हुआ, यही मच का मान क्या होगा, इसका मान होगा आपका फैक्टोरियल 8, तो क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ऐसे ही तो होगा ना, तो हमें करना क्या है, फैक्टोरियल 6 लिखूँ,
इसके बाद 7 और 8 को अलग लिख लो, 6 के बाद तो सारे हो जाएंगे, आपने 7 और 8 को लिख लिया है। माइनस का लिखा इसके बाद, फिर आपने क्या लिखा, 7 × 6, 7 को ले लिया, फैक्टोरियल 6 हमने लिख लिया। इसके बाद आपने देखा कि माइनस का फैक्टोरियल 6 दिया गया है, उम्मीद है या आपने फैक्टोरियल 8 को लिखा हुआ है, या आपने फैक्टोरियल 7 को लिखा है, और ये फैक्टोरियल 6 लिखा है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए, 6 आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना मिला, 8 × 56, ये हो गया 56, ये कितना हुआ, माइनस का 7, फिर क्या मिला, माइनस का 1। आपने देखा 56 में से 8 गया, तो जैसे ही 56 में से 8 गया तो 48 मिला, और 48 का मतलब क्या हुआ, 8 × 6, तो फैक्टोरियल 6 और 8 × 6। जरा आप ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फैक्टोरियल 6, 8 × 6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बुलाए, बहुत आसान सवाल, बस ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 3034, फिर लिखा है माइनस 1002, ये 20.04 लिखा हुआ है। आपने देखा कि 50 बार भाग गया, आपने इससे 50 माइनस किया 3034 में, आपने माइनस किया 50, तो ये मिला 4, और 13 में से 5 गया 8, तो कितना मिला, 2984, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 2984। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए और समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये लिखा है ए, ये भी लिखा है ए, ये भी लिखा है ए, तो ए क्यूब हो गया ना, ऐसे ये बी है, बी क्यूब हो गया। आप सभी को मालूम है कि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये इसका फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने क्या लिखा, आपने इसको लिखा कि ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब जो ध्यान से देखा नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस का ए बी लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, अपॉन में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, कैंसिल, क्या मिला ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए का मान है 785 और बी का मान है 435, 5 × 5 = 10, 8 × 3 = 11, 1 = 12, 7 × 4 = 11 और 1 कितना हुआ 12, तो आंसर कितना हुआ 1220, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन सारे बहुत आसान होते हैं, कैसे करना होता है ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 3 × 3 = 1 गया तो 2/3, फिर इसके बाद देखिए 4 × 4 = 1 गया तो 3/4, इसके बाद देखिए, इसके बाद मत देखिए, सवाल समझिए, केवल देखिए, ये कट रहा है ना, यहाँ बचा ऊपर वाला, लास्ट में बचेगा नीचे वाला, और नीचे क्या आएगा n, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 2/n, उम्मीद है समझ में आ गया। जब भी ये कटेगा, यहाँ बचा ऊपर वाला, वहां बचेगा नीचे वाला, आंसर क्या है 2/n। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सवाल, ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में पदों का योग आप सभी ने पढ़ा होगा Sn बराबर n a प्लस l बाई 2, जहां पे n क्या है पदों की संख्या, a है पहला पद, l क्या है अंतिम पद, बटे कितना है 2, समांतर श्रेणी मतलब ap, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे n का मान 101 से लेके 200 तक, n का मान 100 हुआ, पहला पद आपका 101 हुआ, आखिरी पद आपका 200 हुआ, इसके बाद बटे कितना करना है, तो टोटल पद ये a प्लस l बाई 2, जैसे हमने 2 से भाग दिया तो 50 मिला, ये कितना मिला 301, और 301 गुणे कितना करना है 50, तो क्या हुआ 50 से कम, या 5 से गुणा करा लीजिए, 5 से कम 5, इसके बाद 0 हो गया, फिर 5 से 15 हो गया, तो आंसर कितना आया 15050, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 15050। फार्मूला ये समांतर सीरीज का है, उम्मीद आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सवाल देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 5.5 × -4.5 √3। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है a³ − b³, आप सभी को मालूम है a³ − b³ क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा a − b, इसका हो जाएगा a² + b² + का ab, ये सभी को मालूम है,
देखिए a माइनस बी यहाँ पे जो हो गया 5.5 माइनस 4.5, इसका मान 1 हो गया। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, तो इसका जो आप स्क्वायर करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, हमें उसका स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, बगल में जो भी लिखा हो उसमें 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 का गुणा 5 से, 6 पंचे 30, तो ये आपको कितना मिला, ए स्क्वायर का जो मान मिला, ए स्क्वायर का मान ये 1 है, 1 इंटू में है, 1 जो है ये जो आपको 1 मिला है ये आपका 1 हो गया, ये 1 है और ब्रैकेट में इसके बाद लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये हुआ 30.25। फिर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, आपने देखा है क्या लिखा है 4.5, तो 4.5 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ा 5, 4 पंचे 20, 20.25, यह हमें मिला 20.25। यहाँ लिखा है ए इंटू बी, ये लिखा हुआ है 5.5 इंटू 4.5। देखिए सुनिए, जब भी लास्ट से 5 हो अंतर 10 का हो, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, लास्ट में 75 आएगा, लास्ट से 75 आएगा, बड़े वाले मान में 1 जोड़ लो, या आपने 1 जोड़ा यहाँ पे 6, तो ये कितना हुआ, 6 चौको 24, कितना मिला 24.75। आपने जब इसको ऐड किया, देखिए 0.25, 0.25, 0.75, तो ये कितना हुआ, आधा आधा सवा एक, मतलब 0.25 लास्ट में आ गया, 0.25 जब लास्ट में आ गया, अब क्या हुआ, ये हुआ 30 और 20 50, 50 और 20 64, एक कैरी, 50 और 20 74, एक कैरी था 75.25, आपके क्वेश्चन का आंसर 75.25। चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए एक मिनट पहले, जैसे आपको ये दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, वैसे ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बोला गया 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये जो ट्रिक बनाई है कैसे आपके सामने है, जब भी लास्ट से 5 हो, में उसका स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर 25, बगल में जो भी लिखा है 1 जोड़ दिया, 3 दूनी 6, खत्म। ये लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 4 में 1 जोड़ा, 4 पंचे 20, 25 क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 75 का स्क्वायर करना है, 75 का स्क्वायर में क्या होगा, 5 लिखा है 25, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 सत्तर 56 हुआ, तो ये हो गया, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी 5.5 का स्क्वायर कैसे किया और 4.5 का स्क्वायर कैसे किया। अब इसके बाद आपको ये समझना है a into b कैसे किया, वो देखिए समझिए, देखिए सुनिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जब भी किन्हीं दो नंबर का गुणा कराना है जिनके लास्ट से 5 है अंतर 10 का है, ये देखो आप चाहो तो गुणा करा लो, चाहो तो इसका गुणा इसमें ऐसा कुछ करा लो, अगर तुम्हें ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कैसे कर सकते हो देखना, ये सब प्रैक्टिस पे ही आता है। आपने 75 लिखा, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 गुणे 2 8, खत्म हो गया गुणा, समझ में आया कि नहीं है। फिर सुनना, जैसे आपको करना है कि 35 का गुणा 45 से करना है, तो क्या करेंगे, लास्ट से 75 क्योंकि अंतर 10 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 10 का है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, 4 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 5 और 5 से 15 हो गया गुणा, समझ आया कि नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो गुणा आराम से भी करा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बोला गया है ए स्क्वायर, ये आपको बोला गया है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, 2ab, क्या लिखा है, 2a * b, ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान 7.5, बी का मान 2.5, दोनों का योग हुआ 10, और 10 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हुआ, 100, क्वेश्चन का आंसर हुआ 100। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसी तरह मैं किताब का एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि किताब का बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊँ, मतलब पहले सिंप्लीफिकेशन जैसा किताब में दिया है उसी क्रम में मैं आपको पूरी किताब पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये देखिए इसका रूट जब आप निकालेंगे, इसका रूट कितना होता है, 25 बटे कितना हुआ 11, ये लिखा हुआ है 14 और बटे कितना हुआ 5, ये लिखा हुआ है 11 और ये किसका स्क्वायर है, 14 का, 14 से 14, 5 से ऐसे काटा 5 मिला, 11 से 11 कटा, क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इसका एलसीएम हो गया 60, तो ये आपका कितना मिला, ये आपका हो गया 30, माइनस हो गया 15, प्लस इसके बाद हो गया 12, माइनस हो गया 10, तो ये कितना हुआ आपका 42, 42 में से कितना गया 25, 42 में 25 चला गया, तो 42 में 25 गया कितना बचा आपका 17/60,
इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए ये लिखा है डिवाइड, डिवाइड में कितना दिया गया है। इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 90। ये कितना हो, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग जाएगा 18 बार, 18 दूनी 36, 9 का भाग देंगे 10 बार, माइनस का 50, 5 का भाग दिया 18, और 18 देंगे कितना हुआ 54। इसके बाद आपने देखा 18 का भाग दिया तो 18 पंच 90, माइनस का कितना हुआ 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो मिला, यहाँ से हमें कितना मिला, यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 1, तो ये 36 था, ये 35 प्लस का 1 बचा, और आपने इसको जब सॉल्व किया तो कितना मिल जाएगा, इसको जब आपने सॉल्व किया तो प्लस का 4, तो ये मिला आपको 5/90। आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम हो गया 180। आपने 60 का भाग दिया 3 बार तो ये हमें मिला 54, और डिवाइड बाई था, डिवाइड बाई उसको उल्टा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ डिवाइड था इंटू हो गया, ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 17/60 इंटू 90/5। ठीक है, 30 से काटा 3, 30 से काटा 2, इसके बाद हमें मिला 17/51/10, तो कितना मिला 5/1/10। आपके क्वेश्चन का आंसर 5/1/10, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था, उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सवाल देखिए और समझिए, क्वेश्चन जो आपको बोला गया है देखिए कैसे करना है। ये हुआ x और x एक कम x, और ये हुआ x प्लस 1/x हो गया। अगला आपने सॉल्व किया x प्लस 1+1, तो ये हो गया x प्लस 2/x+1। आपने देखा ये वाला कट रहा है, जब ये वाला कट रहा है तो जो भी आंसर होगा उसके बटे में x होगा। ऊपर क्या आएगा ये देखिए, ऊपर यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद देखिएगा समझिएगा, जिसको आप लिखोगे तो x एक कम इसका गुणा 1 से, तो यही हुआ प्लस, तो ऊपर आएगा x प्लस 4, ऊपर आएगा x प्लस 4, ऊपर आएगा x प्लस 4, और नीचे क्या आएगा x, x प्लस 4/x। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप सभी को पता होगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, लिख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। देखिए देखिए, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + 5 का क्यूब, अगर आपको ऐसा बोला जाए n के क्यूब तक, इसका जो योग होता है ये होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n का मतलब है कहाँ तक दिया गया है, लेकिन ये कब होता है, जब शुरुआत 1 से हो। तो इस यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिखें, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब ... ये आपको दिया है 10 का क्यूब तक दिया गया है। माइनस आपने क्या किया, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब - 4, ये 4 का क्यूब, आपने जब 1 से लेके 10 तक के क्यूब में 1 से 4 माइनस कर देंगे तो 5 से 10 के हमें मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, n का मान 10 है, n का मान हमने 10 लिखा, n + 1 तो 11 हो गया, / 2 इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। माइनस अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे n का मान 4 है, तो ये हो गया 4 इंटू कितना हो गया 5, n + 1 होता है बाई 2 किया और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, इससे इसको काटा 5 और 55 का स्क्वायर होता है 55 का स्क्वायर 30 25। माइनस क्या हुआ, ये हो गया 2 और 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आपने इसमें से 100 माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया 2925। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 2925। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए, सवाल बोला गया है ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये कहां तक दिया है 10 के स्क्वायर तक। तो ये हेडिंग लिखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है जो कि आपको दिया गया है। फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1/6 यहां n क्या है, जहां तक दिया जाए वो n का मान है। करना क्या होगा, शुरुआत 1 से ही होता है तो हम करेंगे क्या, 1 से 10 तक का निकाल के 1 से 2 के स्क्वायर माइनस कर देंगे। देखिए 3 से दिया गया है, हम 1 से 10 निकाल के 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस कर देंगे। 1 से 10 का स्क्वायर होता है 385, 5 माइनस किया 380। देखिए कैसे निकाला समझिए, 1 से 10 का स्क्वायर n, n का मान हो गया 10, n+1 तो हो गया 11, 2n+1 हो गया 21 और बटे कितना 5, इससे काटा तो ये हो गया, ये आपका कितना हुआ 5 से काटा 2 तो हमें कितना मिला, ये हमें मिला
फिर एक बार देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए, देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे जो एन का मान है वो 10 है, एन प्लस वन का मान 11 हुआ, टू एन प्लस वन का मान 22 हुआ, नहीं सॉरी 21 हुआ, इसीलिए नहीं आ रहा था, टू एन प्लस वन टू एन बीस और ये कितना हुआ 21, बड़े कितना हुआ 6, इसे 3 से काटा 2, 3 से काटा 7, 2 से काटा 5, 7 मना 35 गुणे 11 385, माइनस 5 क्यों किया, ये आपको मालूम है माइनस 5 क्यों किया, क्यों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमें क्या करना है माइनस करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ध्यान से देखिए और सवाल समझिए, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सभी को मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये आपको मिला 400, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिला 400, जब आपने इसको माइनस किया तो ये हुआ 272 माइनस 128, तो ये कितना हुआ 12 में से 8 गया 4 और ये 6 में से 2 गया 4 144, तो ये हुआ a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए आपने इसका रूट निकाला तो ये 20 हुआ और ये कितना हुआ 12, और 20 का गुणा 12 से कराया तो आपके क्वेश्चन का आंसर 240, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 240। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है मिला 5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये आपको दिया गया मॉड वाला क्वेश्चन है, सवाल बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए, ये लिखा है 9 और मॉड के अंदर 2 हुआ, मॉड के अंदर माइनस 2 हुआ, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हुआ, ये हुआ 5, 20 हुआ, डिवाइड बाय कितना है 10, बटे में आइए, ये कितना हुआ 5 से 15 माइनस का 15, ये कितना हुआ माइनस का, ये आपका इसने आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ माइनस का 4, कितना मिला माइनस का 4, ठीक है, आपने इसको भाग दिया कितना मिला 2, 9 दुनी 18, 9 दुनी 18 में 2 गया तो कितना मिला 16 और बटे क्या है माइनस का 19, ये आपके क्वेश्चन का आंसर माइनस का 16/19, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ये लिखा हुआ है 12 को 4 गुणे 3 लिखोगे तो ये बन जाएगा 2√3, ये लिखा हुआ है 9 गुणे 2 जब इसको रूट खोलोगे तो बन जाएगा 3√2 बन जाएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का √2, आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये मिला √3, आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमें मिला प्लस का 2√2, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया √3 प्लस 2√2, ये क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए समझिए, देखिए क्वेश्चन फॉर्मूले बेस है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब, ये लिखा हुआ है बी बी क्यूब, तो ऊपर क्या बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपॉन में क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, ये लिखा है ए बी, तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये कैंसिल, क्या मिला ए माइनस बी, क्या मिला ए माइनस बी, और a माइनस की अगर बात करें तो 0.06 है और 0.05 है, आंसर क्या मिला 0.01, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 0.01। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपको बुलाया है, अगला क्वेश्चन बुलाया गया है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ध्यान से देखिए, सवाल बहुत आसान है, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा, इस पूरे का जो एलसीएम है वो 28 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 28 आ रहा है, अब देखिए यहां अगर 1 दिया गया है तो ये हो गया 28, इसके बाद 14, इसके बाद 4 से भाग दोगे तो 7, 7 से भाग दोगे 4, फिर 2 और 1, देखिए इसका जो योग है ना ये भी 28 28 56, 28 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार, आपके क्वेश्चन का आंसर।